खट्टर के वार्ड नंबर 1 के भ्रष्ट भू माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने दिया टिकट। हमारे पत्रकार द्वारा यह सवाल पूछने पर सांसद गणेश सिंह बचते हुए नजर आए। आए हैं नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में विजय प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और सत्ता पक्ष के लिए विकास कार्यों की योजनाओं को जनता तक से रूबरू। आज मेरे साथ दो क्वेश्चन हैं जो मैं मुख्य सवाल करना चाहता हूँ माननीय सांसद जी से। दूसरा है भारत के माध्यम से 2018 में सर हमने नारायण पार्टी के लिए और आज दो हजार अठारह में भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और आज वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। ये उनका अपना व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी की ताकत के साथ चुनाव मैदान में सभी वार्डों में लड़ रहे हैं। पूरे 2400 वार्डों महानगर पालिका का चुनाव जीतने आगे जाते हैं, जब हमारा चेयरमैन होगा तो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है आपका तो कितना जल्दी पूरा हो जाएगा। हमारा सपना में जो हमारे मिनी स्मार्ट सिटी है एक सपना स्मार्ट सिटी के रूप में चाहिए होगा भैया, हमारा मिनी स्मार्ट सिटी है, इसकी एक विस्तृत कार्ययोजना बनाएंगे कैसे और उसकी एक पैसा लाएंगे और शहर में जितनी भी आवश्यक चीजें हैं वो यहाँ पर स्थापित करने का काम किया जाएगा। सर एक प्रश्न और उठता है, हमारे प्रदेश सरकार ने आज 20 साल से हमारी सरकार नहर परियोजना जो आई हमारी उसका कार्य होने को ये जो बनी नहर ये जमींदाबाद में टनल बनने का काम बीच में हमें दिया था और उसमें बहुत सारे व्यवधान थे लेकिन उसको फिर से एक बार रिव्यू किया गया है। मुख्यमंत्री जी को हमने सारी जानकारी दी, मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ पर आए और अब बहुत तेज गति से काम चल रहा है। 2023 पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा और सपना किसानों आरोपियों के हौसले बुलंद। हमला करने वाले दो दर्जन से ज्यादा थे, बाइक से आए थे हमलावर, पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। बाइक से निकल रहे हैं हमलावर जितेंद्र सिंह का है दावा। सतना जिला नागौर नायब तहसीलदार की सड़क हादसे में हुई मौत। नायब तहसीलदार नागौर गणेश देश बेताव का मैहर कटनी बाईपास में हुआ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इतना तेज था कि उनकी मौत हो गई और मैहर थाने का पूरा बल रहा मौजूद। राम खरबाही में जनता का सड़क पर लगा हुजूम। मतगणना को लेकर बढ़ा विवाद, भारी पुलिस बल मौजूद के बावजूद 300 से ज्यादा लोगों ने अमर पाटन सतना रोड किया जाम। भारी पुलिस बल मौजूद, दोबारा वोटिंग की हो रही मांग। निकाय चुनाव की मतगणना की तारीख बदली, 18 जुलाई की जगह 20 जुलाई को होगी मतगणना। राष्ट्रपति चुनाव होने के चलते बड़ी मतगणना की तारीख। भारत सरकार के जल शक्ति अभियान की नोडल अधिकारी रंजीता रश्मि ने शुक्रवार को जहरा विकास खंड का भ्रमण कर जल संरक्षण संवर्धन की संरचनाओं का किया अवलोकन। सतना में घर गिराने के विवाद पर दो पक्षों में हुई मारपीट, एक ही परिवार के 3 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। सिविल लाइन थाना के खेरी मोड़ हाटी की है घटना। नागौर नगर परिषद में पार्टी के प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई संपन्न। इस दौरान नागौर विधायक नागेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष दीपक अग्रवाल सहित पार्टी के कार्यकर्ता रहे उपस्थित। मैहर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई संपन्न। इस बैठक में नगर पालिका के आगामी चुनाव की समीक्षा की गई। इस दौरान सांसद श्री गणेश सिंह जी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी सहित पार्टी के कार्यकर्ता रहे उपस्थित।